और मैं हर पेरेंट्स को अपनी तरफ से एक खास बात बताना चाहता हूँ कि आज के दौर में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, जो जो भी पोस्ट होंगे वो पोस्ट उनके बच्चों को चली जाती है। तो आज लातूर जिले के छोटे से गांव में आज मैं मजदूरी करने वाला एक मजदूर और उस मजदूर का बेटा कल यार डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे फख्र हो जाएगा शाही इंस्टीट्यूट बिदर और डॉक्टर अब्दुल कदीर सर और उनके मैनेजमेंट के ऊपर जो उन्होंने मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दे दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं नाइकवाड़ी अलीफ अरमान मुजाहिद महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव औरा शाहजानी का रहने वाला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने नीट 2023 में 571 मार्क्स स्कोर किए। इसका पूरा क्रेडिट मैं सबसे पहले तो अल्लाह सुबहान व तआला को देना चाहूँगा और दूसरा जो क्रेडिट है मैं अपने अम्मी अब्बू को देना चाहूँगा, जिनके एफ़र्ट्स की वजह से, जिनके हार्ड वर्क की वजह से आज मैं इस काबिल बन पाया हूँ। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं शाहीन इंस्टीट्यूट का और उनके मैनेजमेंट का, जो तमाम चीज़ों में पर्सनली इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स के लिए वो फ़ैसले लिए जिनकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी। और उनके तमाम फ़ैसलों की वजह से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन का रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अपने जूनियर्स को देना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी बरकरार रखें, जैसे कि कुछ हो जाए तो घर जाने का बहाना, अब और दो दो दिन किसी फंक्शन के लिए जाना हो तो दो दिन की छुट्टी लेकर घर जाना, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा अपनी पढ़ाई पर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों से आप बचे रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन से तो आप बचे हुए हैं ही, बस इन चीज़ों से बचिए, आपका अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर अच्छा आएगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मुजाहिद मदार साहब नाइकवाड़ी, एक औरा शाहजानी छोटे से गांव में मैं मजदूरी का काम करता हूँ। मेरे बच्चे की ज़िद और उसकी पढ़ाई की मेहनत देख कर मैंने शाहीन ग्रुप इंस्टीट्यूट का नाम सुना था। वहाँ वो नाम सुनने के बाद मेरे जहन में आया कि मेरा बच्चा इतना होनहार है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार रहती है कभी कभी, तो मैंने फैसला किया कि शाहीन में कोचिंग को डाल दिया जाए। फिर हमारे दो भाई, एक चिच्चा के बच्चे और एक फुफ्फू के बच्चे, और दोनों से सबसे अहम रोल हमारी बीवी का, जो उनकी ज़िद और उनकी मेहनत इस मकाम पर मेरे बच्चे को आज ला के ये कर दिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ शाहीन इंस्टीट्यूट ऑफ बिदर का और डॉक्टर अब्दुल कदीर सर का और पूरे उनके मैनेजमेंट का कि मुझे सेकंड टाइम मौका देकर उन्होंने, आर्थिक स्थिति से मैं बहुत परेशान था, फीस में थोड़ा बहुत ये करके तुम्हारे बच्चे को हम डॉक्टर बना सकते हैं, तुम फिक्र मत करो, मुझे मोटिवेट करके, मोटिवेशन दे के, मेरा हौसला बढ़ा के, जब नीट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो मैं ऐसा फूले नहीं समाया। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का और शाहीन इंस्टीट्यूट का कि मेरी ज़िंदगी में मैं पहली बार ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये इंटरव्यू का मौका मुझे मेरे फर्जंद और शाहीन इंस्टीट्यूट की तरफ से मिल रहा, तो आप हजरात से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप के बच्चे अगर होनार हैं, उनमें कुछ बनने का हौसला है, तो आप उनकी खिंचाताई मत कीजिए, उन्हें और उल्लास और उत्साह से पढ़ने का एक मौका दीजिए, वो आपका दुनिया में नाम रोशन करेंगे। मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आता हूँ, यहाँ की कुल आबादी 15,000 है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहीन इंस्टीट्यूट ऑफ बिदर कॉलेज का और डॉक्टर अब्दुल कदीर सर का और मुझे इस मुकाम पर यहाँ पर लाने के लिए। हमारे दो भाइयों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई, और ये भी हमारे बड़े भाई हैं, ये चाचा के लड़के हैं और ये पप्पू के लड़के हैं, इन दोनों के और कदीर सर के मोटिवेशन की तरफ से इन्होंने मुझे जो उत्साह दिया, जो प्रेरणा दे दी, उस मुकाम पर मैंने इस बार बच्चे को यहाँ पर लाया हूँ। तो आप भी अपने फर्जंद को, अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर मत रखो। मेरा इतना ही कहना है अल्लाह ताला से और आपसे कि अल्लाह ताला हर बच्चे को होनार बनाए और हर पेरेंट्स को वो खुशी अदा करे जो वो पेरेंट जो अपनी औलाद से चाहती है।
अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के सदर अब्दुल खदीर साहब का शुक्र अदा करता हूँ, ताकि हम औरा शाहजनी के लोग एक गरीब हुनर लड़के के बारे में और एक हुनर बच्चे जिसकी कि आपसी पढ़ाई की पेमेंट करनी नहीं थी, क्योंकि पिताजी उसके लेबर काम करते थे, खदीर सर हमारी बातों का यकीन किया और बच्चे को चांस दिए। उस चांस का इस लड़के ने अच्छा बखूबी फ़ायदा उठाया और 570 के ऊपर 71 के ऊपर मार्क्स ले गया। और इंशाल्लाह और खदीर सर ये शाइन शो चालू करने से हम जैसे गरीबों को भी पढ़ाई करने के लिए हेल्प हो रहा है, खासतौर पर अल्लाह में और इनको तरक्की दे उनके इंस्टीट्यूट में।